हर सेलेब की हर हरकत को अपनी टीवी स्क्रीन पर देखकर एंजॉय करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सलमान खान के बिग बॉस हाउस में एंटर होने से पहले हर सेलिब्रिटी को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है जो टर्म्स एंड कंडीशंस से भरा होता है। दिस कॉन्ट्रैक्ट टेल्स एवरीथिंग फ्रॉम डूज एंड डोंट्स, मनी, फाइंस, बिहेवियर एक्सेट्रा। So here we present you total 10 clauses that contestants sign up before entering in the Big Boss house. Number 1, Big Boss reality show में participate करने वाले हर contestant को signing amount के तौर पर अच्छी खासी रकम मिलती है, which is given to them 7 days after signing the contract. अगर कोई contestant show के पहले week में ही घर से बेदखल होता है, तो भी उसे signing amount दिया जाता है. Number 2, जितने दिन आप घर में रहेंगे उतना ही ज्यादा आप कमाएंगे। साइनिंग फी के अलावा पार्टिसिपेंट्स को वीकली कॉम्पेंसेशन भी मिलता है, मगर तब जब कोई कंटेस्टेंट घर के अंदर 2 हफ्ते पूरे कर लेता हो। नंबर 3, एवरी कंटेस्टेंट नीड्स टू बी एक्सक्लूसिवली अवेलेबल एंड कमिटेड टू द प्रोडक्शन हाउस वाया कॉम 18 फॉर अ टोटल ऑफ 117 डेज, जिसमें से लगभग 100 दिन तक तो घर में रहने के लिए होते हैं और बाकी के 17 दिन प्रमोशंस, प्रोमो शूट्स और मार्केटिंग जैसे कामों के लिए होते हैं। नंबर 4, बिग बॉस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक शो शुरू होने से पहले सेम सीजन के किसी भी कंटेस्टेंट को दूसरे पार्टिसिपेंट्स के बारे में जानकारी हासिल करने की अनुमति नहीं है। नंबर 5, घर के हर सदस्य को हिंदी में ही बात करनी होती है। बिग बॉस हाउस में हिंदी के अलावा दूसरी कोई भी लैंग्वेज अलाउड नहीं है। नंबर 6, कंटेस्टेंट्स को बिग बॉस हाउस के अंदर किसी भी तरह का रीडिंग मटेरियल भी ले जाने की अनुमति नहीं है। नंबर 7, घर के लिए सिलेक्ट हुए किसी भी सेलिब्रिटी को मीडिया से इंटरेक्ट करने की अनुमति नहीं है और उन्हें अपने सिलेक्शन की जानकारी भी नहीं देनी है। अगर कोई ऐसा करे तो वो कंटेस्टेंट लिस्ट से बाहर हो जाएगा। नंबर 8, बिग बॉस हाउस में रह रहा कोई भी सदस्य अगर अपनी मर्जी से ही शो को बीच में छोड़कर चला जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उसे चैनल को 50 लाख की भारी रकम भरनी होगी। नंबर 9, अगर कोई कंटेस्टेंट शो से मिडवे में ही एलिमिनेट होता है तो वो तब तक अपने परिवार, दोस्तों, मीडिया और आउटसाइड वर्ल्ड से दूर रहेगा जब तक उसके एविक्शन की फाइनल रिकॉर्डिंग नहीं हो जाती। उस दौरान उसे बिग बॉस द्वारा दिए गए प्रमाइसेस में ही रहना पड़ता है। एंड नंबर 10, विनर कंटेस्टेंट को उसे घर में रहने के लिए मिलने वाले वीकली कॉम्पेंसेशन के साथ विनिंग अमाउंट भी दिया जाता है। ये विनिंग अमाउंट उस कंटेस्टेंट को विनर डिक्लेयर करने के 75 डेज के अंदर दे दिया जाता है। तो ये थे वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जिन्हें फॉलो करते हुए आप अपने